हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज एक ऐसे यूनिक फीचर के बारे में बात करने वाला हूं जो धन आपको प्रोवाइड करता है। आप अगर इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली क्या देखते हो? आपका स्टॉप लॉस कहां पे होने वाला है और आपका टारगेट कहां पे होने वाला है, और आप उसके लिए अलग अलग ऑर्डर प्लेस करते हो। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि धन आपके लिए एक ऐसा फीचर लेके आया है जहां पे आप एक क्लिक के ऊपर 3 ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। जी हां, हम बात करने वाले हैं ब्रैकेट ऑर्डर के बारे में। इस ऑर्डर में आप एक ही क्लिक के ऊपर 3 ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। पहला ऑर्डर होता है आपका बाय का, आप शॉर्ट पोजीशन भी ले सकते हो, तो आपका सेल का ऑर्डर भी हो सकता है। दूसरा होता है आपका टारगेट का ऑर्डर, और तीसरा होता है आपका स्टॉप लॉस का ऑर्डर। यानी कि आपको स्टॉप लॉस और टारगेट के लिए अलग अलग से ऑर्डर लगाने की जरूरत नहीं है, और आप एक ही क्लिक के ऊपर 3 ऑर्डर प्लेस कर सकते हो और सिर्फ मार्केट देख सकते हो। अगर आपका टारगेट हिट हो जाता है तो टारगेट का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और जो स्टॉप लॉस का ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा आपका यहां पे हो जाता है। तो इसके लिए आपको आना है धन के वेब प्लेटफॉर्म के ऊपर। हालांकि आप एप्लीकेशन के ऊपर भी ये सारी चीजें कर सकते हो, जो कि मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो जो स्टॉक में आप ट्रेड करना चाहते हो उसका आपको एनालिसिस करना है, और एनालिसिस के बाद ही आप ये ऑर्डर प्लेस करोगे, क्योंकि सिर्फ इंट्राडे में ही ये ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हो। जैसे इंफोसिस और जेएसडब्ल्यू स्टील मैंने यहां पे ऐड कर दिए हैं। अब मुझे इंफोसिस के ऊपर ट्रेड लेना है तो मैं बाय के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं बाय के ऊपर क्लिक करता हूं तो ये वाली विंडो मेरे सामने ओपन हो जाती है। यहां पे ट्रेडिंग मुझे सिलेक्ट करना होता है और ऑर्डर डिटेल्स में ब्रैकेट ऑर्डर को सिलेक्ट करना है। अब जैसे ही मैंने ब्रैकेट ऑर्डर को सिलेक्ट कर दिया तो यहां पे क्वांटिटी एंटर करनी होती है। जितनी क्वांटिटी आप ट्रेड करना चाहते हैं उतनी क्वांटिटी आपको यहां पे सिलेक्ट करनी है। प्लस माइनस आप यहां पे एरो से कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली क्वांटिटी आप यहां पे एंटर कर सकते हो। जैसे 50 क्वांटिटी ट्रेड करनी है तो जो भी आपकी क्वांटिटी होगी वो आप यहां पे एंटर करोगे और आगे बढ़ोगे। आगे आप मार्केट ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर दोनों भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे आप मार्केट अगर डी सिलेक्ट करोगे तो लिमिट ऑर्डर आपको प्लेस करनी है। और मैं आपको एक छोटा सा सजेशन दूंगा कि मार्केट ऑर्डर अगर आप करोगे तो शायद ऑर्डर रिजेक्ट हो सकता है। एक दो बार मुझे यहां पे एक्सपीरियंस आया था। रिस्क मैनेजमेंट का हवाला दिया जाता है, और रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आपको यहाँ पे सारी चीजें करनी है, क्योंकि आप स्टॉप लॉस और टारगेट लगाते हो तो आपके रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा सा अच्छा करके ही आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो, और धन आपके लिए इसकी सारी जिम्मेदारी लेता है, मदद करता है आपकी एक तरीके से ये ब्रैकेट ऑर्डर प्रोवाइड करके। तो अगर आप लिमिट ऑर्डर लगाते हो तो स्मूथली ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको टारगेट के कितने पॉइंट होने वाले हैं और स्टॉप लॉस के कितने पॉइंट होने वाले हैं वो एंटर करना है। जैसे कि मुझे लगता है कि 20 पॉइंट ऊपर का मेरा टारगेट होगा तो मैं यहाँ पे टारगेट 20 पॉइंट ऊपर का रखूंगा। स्टॉप लॉस 20 पॉइंट नीचे का होने वाला है तो मैं स्टॉप लॉस 20 पॉइंट नीचे का यहाँ पे लग सकता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉप लॉस शुड बी बिटवीन 3.62 to 29। मैंने स्टॉप लॉस 2 रखा है, 2 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस मैं नहीं लगा सकता, क्योंकि धन ने पूरा रिस्क मैनेजमेंट करके मुझे यहाँ पे एक नंबर दिया है, उसी नंबर के बिटवीन मैं जो है वो स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ। अगर मैं टारगेट का देखूं तो टारगेट का कुछ आ नहीं रहा है, लेकिन स्टॉप लॉस का जरूर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 2 पॉइंट का टारगेट रखता हूँ तो कोई रिस्क मैनेजमेंट का सीन यहाँ पे नहीं दिखाता, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट स्टॉप लॉस पे की जाती है। तो ये पूरा एनालिसिस करके आपको बताया जाता है। और अगर मैं यहाँ पे इंस्टेंट बाय कर दूंगा तो मेरा जो है वो पूरा का पूरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, और आसानी से मेरा स्टॉप लॉस, टारगेट और मेरा बाइंग ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। यही चीज आप चार्ट के ऊपर भी कर सकते हो। अब मुझे इंफोसिस का चार्ट इसके लिए ओपन करना पड़ेगा। जैसे ही आप इंफोसिस का चार्ट ओपन करते हो ये वाला चार्ट आपके सामने ओपन हो जाता है, और चार्ट के ऊपर भी आप अगर बाय के ऊपर क्लिक करते हो, यहाँ पे बाय और सेल का बटन दिया गया है, इसके मैं बाय के ऊपर क्लिक करता हूं तो ये वाली विंडो ओपन हो जाती है, और यहाँ पे ब्रैकेट ऑर्डर जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूं तो सेम चीजें यहाँ पे दिखाई देती है। सेम आप क्वांटिटी यहाँ पे चेंज कर सकते हो, प्राइस मार्केट या लिमिट सिलेक्ट कर सकते हो, टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस यहाँ पे देख सकते हो, और जो भी आपका टारगेट और स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा उसको डायरेक्टली सिलेक्ट करके बाय के ऊपर क्लिक करोगे तो चार्ट के ऊपर भी आप ये ब्रैकेट ऑर्डर बहुत आसानी से लगा सकते हो। तो ये पूरा तरीका है ब्रैकेट ऑर्डर लगाने का, ये मैंने आपको वेब प्लेटफॉर्म पे दिखाया। सेम चीज आप एप्लीकेशन के ऊपर भी देख सकते हो। तो चलिए चलते हैं एप्लीकेशन के ऊपर, किस तरीके से आप ये ऑर्डर प्लेस कर सकते हो उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। हाँ, तो दोस्तों हम आ गए हैं एप्लीकेशन के ऊपर, और जैसे कि हमने स्टॉक में देखा था इंफोसिस के, तो इंफोसिस के स्टॉक में हम एप्लीकेशन के ऊपर ब्रैकेट ऑर्डर कैसे लगा सकते हैं, इसके लिए हम जाएंगे इंफोसिस के स्टॉक के ऊपर। स्टॉक को मैंने सिलेक्ट कर दिया है। स्टॉक को सिलेक्ट करने के बाद आपको इस वाली स्क्रीन पे आना है और बाय के ऊपर क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप बाय के ऊपर क्लिक करोगे, आप यहाँ पे ट्रेडिंग सिलेक्ट करोगे और ट्रेडिंग सिलेक्ट करते ही ऑर्डर डिटेल्स के अंदर आपको थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रॉल करना है और ये ब्रैकेट ऑर्डर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे ही मैं ब्रैकेट ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ तो सेम जैसे हमने वेब पे देखा था कि लिमिट प्राइस या फिर मार्केट प्राइस आप यहाँ पे लगा सकते हो, टारगेट प्राइस आपको यहाँ पे लगाने का मौका मिलता है, पॉइंट्स में टारगेट लगाना होता है और स्टॉप लॉस भी आप लगा देते हो। तो एक ही क्लिक के ऊपर आपकी बाय ऑर्डर, टारगेट ऑर्डर और स्टॉप लॉस ऑर्डर एप्लीकेशन में भी एग्जीक्यूट हो सकती है, जैसे हमने चार्ट के ऊपर देखा, जैसे हमने वेबसाइट के ऊपर देखा था। तो एप्लीकेशन में भी आप आसानी से ये ब्रैकेट ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, आपकी रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे अच्छे तरीके से हो सकती है और इंट्राडे ट्रेडिंग आप इम्प्रूव कर सकते हो। इंस्टेंट बाय अगर मैं करता हूँ तो ये मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और तीनों ऑर्डर प्लेस हो जाएंगे। मेरा बाइंग का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, टारगेट का ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और स्टॉप लॉस का ऑर्डर भी प्लेस हो जाएगा। जिस डायरेक्शन में मार्केट जाएगा, अगर मार्केट ऊपर जाता है और मेरे टारगेट को रीच करता है तो मेरा टारगेट का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और दूसरा वाला जो स्टॉप लॉस का ऑर्डर है वो अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, आप यहाँ पे सिर्फ क्या कर सकते हो, ऑर्डर प्लेस कर सकते हो और बाकी सारी चीज़ सिस्टम में आपकी हो जाएगी। तो ये है पूरा तरीका ब्रैकेट ऑर्डर लगाने का, धन के एप्लीकेशन में भी और वेबसाइट के ऊपर भी। आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।